हेलो माय डियर टीचर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल NIUS DLN अड्डा। आज हम आप सभी के लिए कंट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम्स के थर्ड पार्ट दैट इज़ 511.3.3 फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सोशल और नेशनल फेस्टिवल लेकर आए हैं। तो उसे डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन नीचे है और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए, व्यूज़ कीजिए। प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आप लोग जितना शेयर करेंगे, जितना व्यूज़ होगा, उतने हमारे लिए अच्छे हैं। हम लोग मोटिवेटेड होंगे क्योंकि मोटिवेशन तो सबको ज़रूरत होती है। हम टीचर लोगों को भी मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग डायरेक्ट हम फॉर्मेट में चले जाते हैं। तो देखिए आप लोग, 511.3.3 मतलब कंट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम का थर्ड पार्ट है ये। ओके, सो फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल अब्लिक नेशनल फेस्टिवल। तो मैंने नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, तो आप लोग को फर्स्ट आपका नाम लिखना है, नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी, देन यू हैव टू राइट योर एनरोलमेंट नंबर, देन क्लास, आप कौन से क्लास के टीचर है उसको लिखना है, देन डेट, जो फेस्टिवल आप लिखेंगे जिसके बारे में डिस्कस करेंगे उसका डेट लिखना है, फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम उस फेस्टिवल का, मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन लगा वो आपको लिखना है। सो फर्स्ट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिपेरेटरी एक्टिविटीज़ फॉर कंडक्टिंग द फेस्टिवल। तो डिस्क्रिप्शन लिखना है उस फेस्टिवल के बारे में। तो मैंने लिखा है, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। दिस वॉज द डे वेन इंडिया वॉज फ्रीड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल and has equal importance for every Indian regardless of religion, caste, creed or race. August 15th is a very important day in the history of India. After several centuries of slavery, our country India was liberated on this holiday. On this day, the British has escorted the tan from India land. The holiday is observed throughout India with flag hoisting ceremonies, parades and cultural events. There is a national holiday and school government officials distribute sweets with no official work is done. Every year we celebrate this day with great enthusiasm in our school. Like this, the grand ceremony of Independence Day celebration was done previous year as well. We both students and teachers were all enthusiastic enough to participate in this ceremony. तो मैंने ये सारे डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो आप लोग भी जो नेशनल फेस्टिवल आप लिखेंगे या फिर सोशल फेस्टिवल लिखेंगे तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, वो क्या है, ये सब आप लोगों ने क्या है, तो ये सब डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग द फेस्टिवल। ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस क्या है नेशनल फेस्टिवल करने का। तो मैंने लिखा है, वन, एवरीबॉडी कैन रिलेट टू द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अल्टीमेट सक्सेस। नेक्स्ट इज, everyone recognizes the problem independent India faced. 3. Every citizen can evaluate the new government policies. 4. Appreciate the difficulties while drafting the constitution. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है, आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं या आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज steps taken for conducting the festival. तो हम लोगों ने क्या क्या स्टेप अप्लाई किया है उस फेस्टिवल को कंडक्ट करने के लिए, तो ये लिखना है। The following steps were taken to conduct the festival. The first one is, on 15th August, students and teachers were asked to come early in the morning. Next, students were arranged in rows according to the class by the teachers. 3. After the flag was hoisted by the principal of the school, after that flag was hoisted by the principal of school. Next, students were cheerful and everybody saluted the flag. Next, national anthem was sung after the flag hoisting ceremony. Next, principal gave a brief lecture on importance of Independence Day. 7. A rally was organized by the students of our school to aware the people about the importance of Independence Day. Next, then there were different type of sports competitions organized by the school authority. And last one is, after the distribution of the prizes, everyone was given a packet of sweets. Okay,
तो दीज आर द स्टेप्स. नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द फेस्टिवल इन द स्कूल, क्या प्रोसीजर अप्लाई किया है हम लोगों ने इस फेस्टिवल को अकम्प्लिश करने के लिए. तो दिस थिंग्स ऑन द डे ऑफ दिस ऑस्पिशियस ओकेजन वी टीचर्स एंड स्टूडेंट रीच द स्कूल एट अराउंड 7:30 AM. A long white pillar was tied in the school, which was tied to the national flag. All students stood around the same queue. They had to stand with the other student of their class. We teachers were standing behind them. The principal was the chief guest of the program. He hoisted the national flag on the school building sharp at 8 a.m. National anthem, Jana Gana Mana, was sung after the flag hoisting ceremony. Then the principal gave brief speeches. In his speech, he highlighted the importance of Independence Day and our duty towards the country. After that, the flag hoisting function ended. A rally was made by the students of our school to aware the people about the importance of Independence Day. After the completion of the rally, the principal asked the students to get together on the playground. There were some sports competition. The students of our school played the games very enthusiastically. There were different types of games like badminton, musical chair, quiz competition, mathematics competition, etc. There was also a friendly cricket match between the teachers and the students. After the completion of sports competition, the principal gave prizes to those who got the first and second place in different sports. And a packet of sweets was distributed to all present in the program. तो ऐसे हम लोगों ने हम लोग प्रोग्राम का प्रोग्राम को डेकोरेट किया था. ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड फॉर कंडक्टिंग द फेस्टिवल. ओके व्हाइल मूविंग ऑन रोड ड्यूरिंग द रैली विद शाउटिंग स्लोगन्स द फर्स्ट रनिंग व्हीकल्स केम नियर आवर स्टूडेंट्स एंड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम. जब हम लोग रैली कर रहे थे तो बहुत सारे फास्ट मूविंग व्हीकल्स आ रहे थे जो हम लोग का मतलब स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ऑब्स्ट्रकल क्रिएट हो गया था. तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया है. ओके नेक्स्ट इज सल्यूशन. सल्यूशन क्या मतलब प्रॉब्लम तो फेस किया उसको सल्यूशन भी है तो सल्यूशन को लिखने के लिए बोला है. तो सल्यूशन एंड वी सेज रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम. तो वी टीचर्स वर्क अराउंड द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द रैली एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम व्हीकल एंड सम ऑफ द टीचर्स कैरीड वाटर बॉटल्स फॉर द स्टूडेंट टू एंश्योर दैट नो वन फेंट्स ड्यूरिंग द रैली. तो ये सब सल्यूशन हम लोगों ने अप्लाई किया था. उसके बाद इम्पैक्ट of the festivals on school environment. ये festival करने के बाद इसका impact क्या हुआ school के environment में उसको लिखना. So first one is Independence Day has a great importance in every citizen's life. This day reminds us every year that freedom is sacred and citizen must do everything to ensure that it shall not be endangered. Or the students will be able to relate to the struggle of independence and ultimate success. Number two, recognize the problems independent India faced. Three, evaluate the new government policies. Four, appreciate the difficulties while drafting the constitution. So these are the impacts. ये सब impact students पे पढ़ेंगे. वो लोग independence struggle कैसे हुआ था ये सब सब जानेंगे. तो इसको मैंने लिखा है. Okay, then you have to write the countersign by the headmaster with office seal karna hai, then signature put signature dena hai aapka, then mentor ka signature, then signature of supervisor. So aap log dekh sakte hain. So okay, so that's all for today. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 511.3.4 जो कि फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट्स लेके आएंगे. सो टिल देन बाय बाय टेक केयर.